बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक प्रो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐप लॉक फिंगरप्रिंट आप किस तरह से डाउनलोड करके किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ करके आप किसी भी एप्लीकेशन को कैसे लॉक लगा सकेंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। इससे पहले ये करना है कि आपने हमारे चैनल आसिफ टेक प्रो को सब्सक्राइब कर देना है और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर देना है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐप आपने कौन से डाउनलोड करके किस तरह से इंस्टॉल करनी है। इसके लिए आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे चले जाना है, सर्च बार पे क्लिक करना और यहाँ पर आपने जस्ट टाइप करना होगा ऐप लॉक फिंगरप्रिंट। ये पहले आपने चेक कर लेना है, उसके बाद आपने गो पे क्लिक कर देना और यहाँ स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर देख सकते हैं ट्रस्टेड टूल की वालों की तरफ से ये ऐप लॉक आपको देखने को मिलेगा। आपने जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेना है। आप इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन दी गई है, वहाँ से आपने इसको रीड कर लेना है। हमने जस्ट इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना, ओपन करने के बाद हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके यहाँ पर हम अपना एक पैटर्न ड्रा कर लेते हैं। अगर आप अपना पिन कोड यहाँ पर रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है लॉक्स के बारे में, तो मैं यहाँ पर आप फिलहाल के लिए आपको दिखा देता हूँ। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल गैलरी को ओपन करूँगा, ये बिना पासवर्ड के ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, वापस मैं इसको ओपन करूँगा और ये ऐप लॉक हमें ओपन देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने तमाम परमिशन को अलाउ करना है और किस तरह से ऐप्स को लॉक लगाया जाता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम इन परमिशंस को अलाउ कर देते हैं और इस ऐप लॉक को फाइंड करके ये देख सकते हैं। यहाँ पर हमें बाकी भी फीचर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि वॉलेट वगैरह का ऑप्शन भी हमें देखने को यहाँ पर मिल जाता है। सो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि इग्नोरेंस पावर सेव वगैरह और भी हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ये हमें बैटरी मैनेजमेंट के वाले से भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम फिलहाल के लिए हम इसको रहने देते हैं, फिलहाल के लिए हम स्टॉप कर देते हैं और प्रोसेसिंग बैक में चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऑटो स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर अगर आपको सेटअप के लिए कह रहा है तो आपने इसको सेट कर लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ के लिए ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, हमने जस्ट सीखना है कि हमने इसको कैसे इनेबल रखना है, यानी कि आप कह सकते हैं कि किस तरह से हम एप्लीकेशन को लॉक लगाना है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसको वॉलेट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम सेटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं लॉक न्यू ऐप्स, यहाँ पर हम क्लियर इसको ऑफ कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आपका फिंगरप्रिंट वर्किंग है, यहाँ पर इसको आपने लाजमी यहाँ से इनेबल कर लेना है, यहाँ से ही आपका फिंगरप्रिंट इनेबल होगा। और यहाँ पर अनइंस्टॉल का प्रोटेक्शन भी ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। अगर इस वाले से किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप गैलरी वगैरह को किस तरह से लॉक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर गैलरी को लॉक लगा देता हूँ, तो ये देख सकते हैं गैलरी को लॉक लग चुका है। अब मैं यहाँ से बिल्कुल बैक आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं गैलरी को ओपन करूँगा और ये देख सकते हैं हमारा जो है लॉक वर्किंग है। मैं अगर गलत पासवर्ड इंटर करूँगा ये नहीं ओपन होगा, मैं वही वाला पासवर्ड इंटर करूँगा तभी ये ओपन होगा। इस तरह से इसको यूज़ करके आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक लगा सकेंगे। अगर वॉलेट के हिसाब से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वॉलेट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। थीम्स वगैरह भी आप यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई इस वाले से। किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर अनलॉक करना हो तो इस तरह से आप इन चीज़ों को अनलॉक भी कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दें और मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।